घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दे संगीन पे घर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य वो जमाने वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। आज के जीके क्यूज में मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के जीके क्विज का सबसे पहला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहां फहराते हैं? काजल कुमारी आएगी, लाल किला। आपका आंसर सही है, इसलिए आपको एक कलम प्राइज के रूप में दिया जाता है। आज के जीके क्विज का सेकेंड क्वेश्चन, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1985 से। थैंक यू, आपका आंसर सही है, आपको मैं प्राइज के रूप में एक कलम देता हूँ। आज के जीके क्विज का थर्ड क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुने, इंडिया गेट का निर्माण किस घटना या व्यक्ति की याद में हुआ था? इंडिया गेट दिल्ली में है, इंडिया गेट का निर्माण किस घटना या व्यक्ति की याद में हुआ था? इस प्रश्न का आंसर जानते हो? चलो मैं बतला देता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक मारा गया था ना, उसी की याद में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। आज के जीके क्विज का चौथा प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? आपका आंसर? फिर से और बोले। थैंक यू, आपका आंसर सही है, आप भी प्राइज ले लें। आज के जीके क्विज का पांचवा प्रश्न, मैं आशा करता हूँ कि इस बार आंसर बॉयज साइड से आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि बॉयज का भी भागीदारी प्रश्न के आंसर में रहना चाहिए, यदि नहीं रहता है तो ठीक नहीं है। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में होती है? आपका आंसर क्या है? 3/2। इसे अच्छा से बोलना होगा, 3/2। थैंक यू, आपका आंसर सही है, आपको मैं प्राइज के रूप में एक कलम देता हूँ। आज के जीके क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों ने भारत में
लगभग कितने साल शासन किया था? बैठ कर आंसर नहीं बोलना है। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीके क्विज का सातवां प्रश्न आप लोगों के लिए, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? इस प्रश्न का आंसर आप लोग ध्यान से सुने, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा इकबाल। आज के जीके क्विज का आठवां प्रश्न, आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? आपका आंसर क्या है? थैंक यू, आपका आंसर सही है, इसलिए आपको एक कलम प्राइज के रूप में दी जाती है। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इस बार मैं चाहूँगा कि बॉयज साइड से प्रश्न का आंसर आए, और जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ यह बहुत आसान प्रश्न है। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलो आ जाओ पीछे से। आपका नाम क्या है? आपका आंसर क्या है? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपको प्राइज के रूप में कलम दी जा रही है, और मैं आशा करता हूँ कि और भी प्रश्नों का आंसर आप सही ढंग से दें। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 10, इस बार मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर गर्ल्स साइड से आए तो ज़्यादा ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? आपका आंसर क्या है? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपको प्राइज के रूप में एक कलम दिया जाता है। आपका नाम क्या है? थैंक यू। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इस बार आंसर बॉयज साइड से आए तो ज़्यादा बेहतर है। डेट बतलाना है, डेट और साल भी। आपका आंसर क्या है? 13 अप्रैल 1919। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? अमीषा कुमारी। आपको भी एक प्राइज के रूप में एक कलम मैं देता हूँ। आज के जीके क्विज का क्वेश्चन नंबर 12, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। आप लोगों के लिए एक और प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की? आपका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपको पुनः एक और कलम प्राइज के रूप में दिया जाता है। आज का जीके क्विज यहीं समाप्त होता है। आप सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को, नटखट बच्चे को जीके क्विज में शामिल होने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।